pasa para eso? ¿Cuál es eso? ¿Ustedes? Umrana? Please. No, no, left. जनाब नमस्कार 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 आप ठीक है खैर से चला रहे हैं वो ठीक चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है अभी प्यारो ऐसा मैं खड़ी नहीं हो रही हूँ माफी चाहूंगा बैठी बैठी कोई जरूरत नहीं खड़े होने की वोट क्या नंबर क्या है इसका जम्मू से नहीं हम दिल्ली से आए हैं अब तो हमारी मुस्तकिल रिहाइश दिल्ली में होती है हर साल हम कश्मीर भी आते हैं जम्मू भी जाते हैं तो इस दफ़ा तो मैं कश्मीर में ही हूँ इसलिए यही वोट किया सर सर 2019 से जो हालात बने हैं उसके बाद अभी तक कांग्रेस डेमोक्रेटिक में जो है भरोसा कर रही है लेकिन अभी कश्मीर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे हैं सर सिचुएशन को किस तरह देखते हैं ये आप कांग्रेस इलेक्शन की बात कर रहे हो कि जनरल इलेक्शन की बात जनरल इलेक्शन तो गवर्नमेंट ने करनी है हमारी डिमांड है कि इलेक्शन होने चाहिए और सभी पार्टी यही चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए क्योंकि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी नहीं चलती है तो अब शुरुआत हो रही है डिलिमिटेशन हो गई है हम सुन रहे हैं कि चुनाव शायद मार्च में हो सुन रहे हैं केवल सरकारी बात नहीं कह रहा सुन रहे हैं और बाकी ये है कि अच्छा ये दो बातें हो रही हैं एक तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो हो रहा है प्रेसिडेंट का ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं बहुत वर्ष पहले होती थी अभी नहीं हुई और दूसरा ये जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल वो भी अच्छी बात है लोगों के साथ ताल्लुक इससे मजबूत कर रहे हैं ये दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ सर नॉन लोकल्स को वोटिंग राइट देने की बात की जा रही है कश्मीर में वो कुछ टेढ़ा मामला है मुझे भी पूरी समझ नहीं उसकी आई वो कुछ टेढ़ा है कुछ कहते हैं लाखों आएंगे कुछ कहते हैं थोड़े रहेंगे अभी मैं क्लियर नहीं हूँ उसके बारे में अगर चुनाव होते हैं तो कांग्रेस कितनी तैयार है चुनाव अब ये तो इनको पूछिए यहाँ सब कांग्रेस के नेता है मैं तो दिल्ली में बैठा हूँ मैं नहीं बता सकता इसके बारे में इसके बाद हालात किस तरह जम्मू कश्मीर के लग रहे हैं आपको क्या डेवलपमेंट पास वे में हो रही है कि उससे पहले भी इस तरह का जो हालात है वो ठीक है देखिए मैं कह नहीं सकता हूँ 3 साल हो गए हैं अब तो बहुत ऐलान हुए हैं कि बहुत काम हो रहा है तो अभी तक ज़मीन के ऊपर उनका पूरा असर नहीं हुआ होगा कुछ वक्त लगेगा एक बार ज़रूर हुई है पहली बार डल साफ हो गई मुझे बड़ी खुशी है इस बात क्योंकि मैं हर साल जब आता था हमारा घर आप जानते हैं डल के ऊपर ही है तो हम देख के बड़ा दुख होता था कि डल मर रही है सामने सामने मगर इस बार हमने देखा डल साफ हो गई ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी ये तो मैंने स्वयं देखी देखिए ये डेमोक्रेटिक सिस्टम कांग्रेस में ही है मुल्क की किसी और पार्टी में नहीं है आपने कहीं भी ऐसा कवरेज नहीं किया होगा कि एक मामूली सा डेलीगेट एक ब्लॉक से आके अपने ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को चुन रहा है और ज़्यादा वोट नहीं है पूरे मुल्क में हर ब्लॉक का एक डेलीगेट वोट डालेगा और 9100 वोट डालेंगे और उससे हमारा ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुनने आएगा आपने बीजेपी को भी देखा सपा को भी देखा आम आदमी पार्टी को भी देखा तृणमूल कांग्रेस बड़ी बड़ी पार्टियां जो है मुल्क में या राष्ट्रवादी कांग्रेस है किसी में ये डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है तो आज हमारे डेलीगेट आए मुझे लगता है 50-101 वोट डले होंगे अभी तक वोट लाइनें लगी हैं वर्करों की वोट डलने में तो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट चुना जाएगा 19 को रिजल्ट होगा और 19 तारीख को हमारा नया प्रेसिडेंट बनेगा ये पार्टी में कांग्रेस पार्टी